Good morning, guys. Special screening of Galip. Finally, the film is going to release. And here I am staying at a hotel with my parents. Actually, they have come to visit me. मम्मी पापा मुझे मिलने के लिए मुंबई आए हुए हैं और मैं उनके यहाँ पे रुका हुआ. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30. दोपहर को इवेंट है. मैं ये कह सकता हूँ कि आई कुडंट स्लीप yesterday night बिकॉज कल काफ़ी देर तक हम लोग बातचीत करते रहे. 1-2 बज गए हमें बात करते करते और उसके बाद भी बहुत डिस्टर्ब स्लीप रही मेरी, क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट और दूसरी इतने लंबे समय से आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फिल्म कब रिलीज़ होगी. आज 22 तारीख है, स्पेशल स्क्रीनिंग है गालिब की और 23 को फिल्म रिलीज़ हो रही है. मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग है मेरे लिए, क्योंकि 2018 में हमने फिल्म की शुरुआत की थी, 19 में फिल्म ख़त्म हुई, 2020 आते आते पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, ये सारी चीज़ें, फिर पैंडेमिक और उसके बाद एक लंबा सफ़र इस फिल्म ने तय किया. लेकिन फाइनली सीइंग द डे ऑफ लाइट. जो लोग थिएटर में देख सके वो प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए, और थिएटर्स में जो लोग नहीं देख सकेंगे वो प्लीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे और TV पे जब आएगी तब आप ज़रूर देखिए. मैं रेडी हो जाता हूँ सो दैट यू नो आज अच्छा दिखना भी है और आई होप कि सब अच्छा अच्छा हो, सब लोगों से मुलाकात होगी. तो सी यू देयर. एडिटिंग में और हर तरीके से, सो कंग्रेचुलेशंस. और मुझे मेरी खुद की फिल्म भी बहुत पसंद आई. इस कहानी की कल्पना तो न्यूज़ से आई थी, लेकिन मैडम और निखिल के बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी. बीच में 2-2.5 साल कोविड का आ गया, तो उसकी वजह से सब कुछ, हमारी इंडस्ट्री काम सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रहा है. दीपिका जी को हम तो TV पे नहीं देख पाए, लेकिन हमारी पहले वाली जनरेशन, मम्मी पापा, आपने सेकंड लॉकडाउन में भी नहीं देखा? सेकंड लॉकडाउन में जरूर देखा. इस कैरेक्टर के बारे में, बहुत ही साइलेंट कैरेक्टर है और डिप्रेस तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक एंजाइटी उसके अंदर है, काफ़ी चीज़ें भरी हुई है और अपने मन में हर चीज़ रखे हुए है फिल्म में. कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और किसी से मिक्सअप नहीं होना चाहता है, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट कह सकते हो. अम्मी से खफा है क्योंकि आप कहानी देखोगे तब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आगे आगे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आपको पता चले कैरेक्टर के अंदर एक ग्रेजुअल ग्राफ है. और एट द एंड जैसे दीपिका जी ने कहा कि शी ओन्स द एंटायर क्रेडिट, अगर इस फिल्म का नाम गालिब नहीं होता, अगर इनके कैरेक्टर भी होते तो भी दैट वुड जस्टिफाई, क्योंकि ये कहानी एक मदर के विल पावर की है. थैंक यू निखिल, बहुत अच्छा, मतलब आपने कहा, थैंक यू फॉर गिविंग मी द क्रेडिट, बट बहुत सुंदर स्टोरी है और अल्टीमेटली पर्दे पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल नरेटिव बनी है. क्या कुछ कहेंगे और भी बजे उसके बाद वो भी दीपिका जी के साथ फर्स्ट क्या देख सकता जब पहला आपको निखिल ने कि मैं फिल्म का रोल निभाना गाली जिसमें मेरी बात की जाती है दीपिका जी, दीपिका नहीं सीता,
क्या रिएक्शन था माइंड में, क्या मूवी जब पहले हमको पता चला कि ये जो है लीड रोल करना है और वो भी दीपिका जी के साथ में लीड रोल करना है और दीपिका जैसा किरदार जो है रामायण में जो है इतना फेमस पूरे इंडिया में हो चुका है तो उसके साथ में अपना बेटा काम कर रहा है तो बहुत प्राउड फील हम कर रहे थे और लेकिन थोड़ा इंतज़ार जो हो गया रिलीज़ के लिए तो हम थोड़ा एक्साइट जरूर थे तब रिलीज़ हो जाएंगी। एक वो माइलस्टोन रहता है हर एक्टर के लिए कि वो एक माइलस्टोन पूरा हो गया तो इसलिए हम बहुत खुश है और सभी को जो है धीरज मिश्रा जी है और घनश्याम जी पटेल जो है जिन्होंने इनको चांस दिया उसके ऊपर जो भरोसा उन्होंने दिया और एक्टिंग देख के ऐसा लगा कि वो उन्होंने जो है साथ निभाया है और उसमें जो पूरी खड़े उतरे हैं। पूरा अंदर से नहीं था फिर भी हमने सपोर्ट किया कि अगर बच्चों का जो है जो दिल करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, अगर उसके खिलाफ जाके ज़ोर ज़बरदस्ती करके दूसरे कोई प्रोफेशन में वगैरह उनको डाल देंगे तो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिल्म देख के ऐसा लगा कि उसने उसका जो ड्रीम था वो फुलफिल कर दिया। मैं बचपन से उसको बहुत सपोर्ट कर रही हूं। अच्छा। उसकी गैदरिंग में उसका स्कूल कॉलेज सभी में मैंने बहुत उसको ज़्यादा ये घर में भी एक्टिंग करता था कभी तब छोटा था बहुत छोटा था तो बहुत एक्टिंग डांस बहुत अच्छा करता है डांस भी अच्छा करता था और एक्टिंग भी अच्छा करता था बचपन से इसीलिए मुझे तो स्कूल में गैदरिंग होता था उसको एक्टर ही बने थे बाद में कॉलेज के गैदरिंग में और हमारे यहाँ जो है कॉलोनी में गणेश फेस्टिवल वो रहता था गणेश फेस्टिवल में जो है डांस कंपटीशन हो या बाकी एक्टिंग कंपटीशन ड्रामा हो तो सभी में पहले से ही इंटरेस्ट लेके करता था तो वही टाइम से सबको लगता था कि आगे जाके जो है वो अच्छा एक्टर बन जाएगा क्योंकि आज सब कोई तारीफ कर रहा है सीधा दीपिका जी की तारीफ कर रही बाकी एक उमदा कलाकार कैसा प्राउड फील कर रहा है। यस यस बहुत प्राउड फील कर रहा है क्योंकि पहले हमको ही नहीं लगता था कि उसने कैसा एक्टिंग किया होगा और बाकी लोगों को या ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा ऐसा लगता था लेकिन अभी देख के ऐसा लगता है कि सभी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है निखिल ने किया दीपिका जी ने किया है और सभी ऑडियंस को भी ये पसंद आएगी फिल्म जो इसमें जो मैसेज दिया है यूथ के लिए या कश्मीरी यूथ के लिए और ये देशभक्ति के लिए जो मैसेज दिया है ये बहुत ही बढ़िया है और सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि ये फिल्म जो है देखनी चाहिए। घर से लेके यहाँ तक का सफर कहीं डर था कि मेरे में क्या क्या होगा क्या होगा क्या होगा बहुत थोड़ा सा था वो तो अंदर रहता ही है लेकिन हमको पता था कि धीरज जी जैसे उनके गुरु जो है वो साथ में है सपना था गरीब मंदिर के मेरी समझ से मैं आज ही एक्टर बनाऊँ क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मतलब एक्टर बने फिल्म में काम मिले लेकिन किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी ये पहली फिल्म है जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया उससे मैं थोड़ा सा झिझक भी होती थी लेकिन एक लंबा स्ट्रगल भी हो चुका था एक्टिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट भी हो चुके थे और धीरज जी हमेशा मुझे मजबूत रखते थे बोलते थे कि नहीं तुम कर सकते हो और मैं तुमको कास्ट कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। मनोज गिरी जी डायरेक्टर वो इतने काम और कंपोज होते थे कि कभी मुझे आज तक याद नहीं कि कभी उन्होंने चिल्ला के मुझसे बात की तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और दीपिका जी तो इन सब ने एक बच्चे की तरह संभाला मुझे और उस वजह से मुझे लगता है कि वो निखर के आया परफॉर्मेंस में। रही बात मम्मी पापा की पापा बहुत बिजी रहते थे कभी आ नहीं पाए लेकिन इस बार मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कहा किसी भी हालत में आपको आना है मुंबई आना है और फिल्म देखनी है क्योंकि फिर बाद में ये फिल्म बाकी लोग बाद में देखेंगे चलेगा लेकिन मेरे लिए फर्स्ट रिएक्शन और सबसे फर्स्ट क्रिटिक मेरे मम्मी पापा ही है और आज मैं मिस कर रहा हूँ अपने भाई को छोटे भाई को जो अभी लंदन में MBA कर रहा है तो वो नहीं देख पाए फिल्म अदरवाइज़ वो मुंबई में ही होता था हमेशा तो जब OTT पे या TV पे आएगी तब शायद देखेगा और भी अच्छी लगेगी। सो गाइस गालिब के स्पेशल स्क्रीनिंग पे आया हुआ हूँ मैं इस समय आप सब देख ही रहे कि स्टार स्टार वन ऑफ माय फेवरेट होटल्स इन मुंबई और मैं हमेशा सोचता था कि कभी ना कभी इस होटल में मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी प्रीमियर होगा और ये नहीं सोचा था कि पहली फिल्म का होगा। सो दिस इज रियली स्पेशल ब्यूटी फोन करो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक
एक्चुअली मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि जब तक पहली फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक चाय नहीं पिएगी, तो मुझे लगता है 4-4.5 साल से चाय नहीं पिए, तो अभी मेरे हाथ से चाय पिएगी फर्स्ट टाइम। कास्टिंग पे थी, आई स्टार्टेड विद डायरेक्शन देन प्रोडक्शन देन कास्टिंग, और लिटरली अगर आपका ऐसा बॉडी है जैसे नवाजुद्दीन, उसने अपना बॉडी चेंज ही नहीं किया, सूट हो जाता है ऐसा डिक्टो, ये भी बॉडी है तो कैसा है ना, इस पे आप कुछ भी खेल सकते हैं। अगर बाई चान बॉडी को पुट ऑन किया, मोटा किया, कुछ किया, तो वो भी खेल सकते, फिक्स हो जाएगा ये अमीर में ही जाएगा, ये गरीब में, अभी ये कुछ भी खेल सकते। नहीं एज एन एक्ट्रेस स्टार्टिंग के डेज सुशांत सिंह के देखे ना एकदम स्टार्टिंग वो सेम लगता था। निखिल ने जब मूवी देखी ना तो मुझे बोला अरे ये है, फिक्स हो गया ना। एक बॉडी बिल्डर आदमी को आप किसान कैसे दिखाओगे, एक गरीब कैसे दिखाओगे, मिडिल क्लास नौकरी बैंक में, बैंक वाला तो नहीं ना बॉडी बना के, कोई भी रोल में जो है कास्टिंग से तो काय मिळालं ना लगी मला बोलो तर ना मी त्याला पण पाठवते। तुझा पण लुक आहे ना, लुक भी है ना सीरियल के, सीरियल का लुक हो गया ना अभी तो। वो शुरू में बोलता था कि मैं सीरियल में भी काम नहीं, पिक्चर में ही काम करूंगा, लेकिन जो है विल पावर्स हां तो अच्छा अभी करते करते सीरियल में भी जो है वो भी इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन वो है ना ओटीटी में ज्यादा करेगा, ओटीटी मध्ये है ना फाड़ दे, ओटीटी मध्ये कसं असतं माहिती का, सगळे शक्य तो असे कॅरेक्टर बघतात ते जे आपण रिलेट करू शकतो, असा व्यक्ती ज्याच्याशी नॉर्मल पब्लिक कनेक्ट करू शकते, आपल्यापैकी जे एक आहे असं मला वाटतं। हाँ आपल्यापैकी 10 एपिसोड अपने जैसा एक अगर लगता है ना कैरेक्टर तो फिर पब्लिक रिलेट कर परेशान मत हो, ये बहुत सही है, बहुत किसी भी रोल में जाएगा, किसी भी लुक में जाएगा। इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था निखिल भैया के लिए कि फाइनली उनका 3 साल बाद मूवी रिलीज हो गया, ये मेरे को बहुत खुशी है, बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी फिल्म के बारे में खुद तारीफ क्या करूँ, पहले पूरे टीम मेंबर को, घनश्याम जी, निमिषा जी, मनोज गिरी जी और परमिंदर पांडे जी, मिथुन बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम दिया है। निखिल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई, और सबसे पहले तो मैं धीरज सर का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहला मूवी मुझे दिया गालिब, और घनश्याम पटेल सर को और मनोज सर को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और दीपिका मैम को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अब ये बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, हम लोगों ने ये बात आई थिंक मार्च में की थी जब मेरी फिल्म भी रिलीज पे थी कि ये साल हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो हम दोनों की फिल्म रिलीज़ होगी और इसके बाद जो होगी ग्रोथ इधर से बढ़ेगी, ग्राफ जो है हमारा ऊपर जाने वाला है, तो फाइनली आज ये मोमेंट आ गया कि निकल के फिल्म रिलीज़ होगी, तो मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी इमोशनल मोमेंट है फैमिली के लिए, निकल के लिए, पिक्चर देखिए हम सब के लिए, और पिक्चर तो ओवरऑल बहुत अच्छी है। देखिए मैसेज जो है फिल्म में, हम कश्मीर को वी ऑल नो कश्मीर फ्रॉम आउटसाइड बट व्हाट्स कुकिंग इनसाइड वी डोंट नो, तो वो जानने के लिए तो आपको इधर आना पड़ेगा। आप फिल्म देखो, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, निखिल की तो परफॉर्मेंस सही अच्छी, वेटरन एक्ट्रेस हैं काफ़ी, दीपिका शिवाजी जी काफ़ी लोग, तो प्लीज़ आइए और देखिए। आप एक्चुअली जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना तभी से आपकी वो जर्नी शुरू हो जाती है, तभी से आप सोचने लग जाते हो कि अब मैं इस सीन को ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन जब सेट पर पहुँचते हो तो डायरेक्टर आपको समझाते कि नहीं मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, फिर वो चेंजेस होते हैं आप एक्टिंग करते हो और आप टुकड़ों टुकड़ों में एक्टिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो फिल्म की शुरू वाला सीन है वो हमने सबसे लास्ट में शूट किया हुआ है, या तो पीछे कुछ सीन्स है कैंटीन वाले वो कभी बीच में शूट किए कभी कुछ पहले किए, तो एक एक्टर को ना एक फ्लो में रहना पड़ता है क्योंकि आपके माइंड में वो स्टोरी लाइन चल रही है। जो मोंटाजेस दिखाए गए बहुत लोगों को पता नहीं, मोंटाजेस जो डिजिटल फिल करते हैं मोंटाजेस भी हम फिल्म एडिट होने के बाद निकल गया, तो मतलब मेरे माइंड में फिल्म की एक पूरी स्टोरी चल रही थी भले ही शूटिंग टुकड़ों में हो रही थी, लेकिन अब जब मैंने देखा ना मैं मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था, एक्टिंग तो 19-20 हो सकती है, 19-20 हुई भी है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कैरेक्टर नहीं छूटना चाहिए, मतलब जो एक उसका ग्राफ है ना पहले शांत और फिर आगे जाके जो उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को
माइंड में रखे चला ये सीन कौन से वक्त आने वाला है फिल्म में, अगर मैं गलती से बीच में कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ तो वो बहुत बिखरा हुआ लगता है कि बीच में एकदम धासू बन रहा है, बीच में एकदम नारा हो रहा है, इसका मतलब आप कैरेक्टर समझ नहीं पाए, वो मुझे नहीं करना था। तो देखने के बाद मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, ले में गया एकदम। एज एन एक्टर लोगों को पता होगी ऑडिशन देके एक्टर बन गई या नहीं, ये फिल्म भी जर्नी तुम्हें पता है, ऐसा है कि मतलब स्क्रिप्ट का जेरोक्स करवा के लाना, जैसे मुझे ही मेरे मुझे पता है इस फिल्म का ईपी कोई और था, मुझे वो मौका मिलना, कहीं ना कहीं निखिल ने मुझे बताया था कि निखिल ने बोला कि सर विनाश कर सकता, मुझे याद है जो तुम्हें बताया।